राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने यहां एक रैली भी की जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार पर खूब निशाने लगाए, साथ ही इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन के नाम पर कांग्रेस के सहयोगी डीएमके द्वारा अपमान किया जा रहा है। वे कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। आईएनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। क्यों गहलोत जी चुप हैं, सोनिया जी चुप हैं? कांग्रेस और आईएनडीए गठबंधन को इस पर माफी मांगनी चाहिए। कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए किसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जात पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है मेरे बहनों भाई? सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। राजनाथ सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी है। महिलाओं के प्रति अपराध में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। खराब कानून व्यवस्था में विकास संभव नहीं है। भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए। केंद्रीय मंत्री